आपका स्वागत है। मैं पहुंचा हूं आज टीकरी बॉर्डर पर। हमारे साथ यहां पर किसान भाई मौजूद हैं और देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, किसान भाई अपना सारे साधन घर से लेके आए हैं। इनको किसी भी कोई भी सरकार ने कोई भी साधन नहीं दिया हुआ है और दिखाना चाहूंगा आपको यहां पर। आप जो ये कपड़े धुल रहे हैं और ये मशीन जो आप लेके अपने साथ आए हैं या आपको सरकार ने दी? कितनी दी है? क्या मशीन है ये? तीन मशीनें हैं। यानी जो कपड़े हैं वो किसानों के धोए जाते हैं या यहाँ के आम पब्लिक भी धुलवाने आती है आपसे? मेरा पूछे नहीं कौन है जी, वैसे तो किसान ही है सब जी, कोई नहीं पूछा मेरा भाई जी। जैसे मान चलो किसान है यानी यहाँ के रहने वाले कोई और आम नागरिक हैं, अगर वो धुलवाने के लिए आ गए तो आप उनके भी कपड़े धुल देते हैं? और देखिए हमारे साथ जो कुछ किसान भाई मौजूद है उनका कहना है, कहते हैं हम अपनी औलाद को भी क्या कर जाएंगे, वोट नहीं देंगे। जब किसानों का दुखी करेगा तो क्या करेंगे? किसान अन्नदाता है और किसान को दुखी करेगा तो हम क्या बोलेंगे? किसान दुख में बोल रहे हैं, नहीं तो हमने बनाया था खट्टर सरकार बनाई थी हमने, हम क्या वो थे परंतु हमें वो ठीक कर दिया, नहीं तो ठीक कर दिया तो आप क्या कहेंगे? जिंदगी में भी नहीं कहेंगे, अपने बाद को भी नहीं बोलेंगे। इसकी बहुत नहीं बोलती है बीजेपी वाले लोग कांग्रेस साथ दे रही है, कांग्रेस भी बीजेपी के साथ मिली हुई, एक सांपनाथ है एक नागनाथ, कांग्रेस घूंगी बहरी, कांग्रेस घूंगी बहरी बड़ी मिट्टी आज कांग्रेस से भी कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ दिया सर। ऐसा है जिस प्रकार से अभी तक कृषि कानून जो तीन मोदी जी ने लागू किए थे उनकी किसान बराबर मांग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है मोदी जी मानेंगे या नहीं? मानना तो चाहिए, पर मोदी जी की जो सोच है वो तो अलग कानून की सोच है। मोदी जी ने हिटलर वाली बुक पढ़ी है जी, उसको हिटलर के हिसाब से चल रहा, पर जो इंडिया की कानून जो उम्मीद सी जो उन्हें सुपना दिखाया थी मोदी जी ने उसके बिल्कुल उल्ट है। मोदी जी तो आसा से गुस्सा होना बिल्कुल 100% ही उल्ट जाता है। कहने का मतलब एक महीने से ऊपर हो चुका है, एक महीने से नहीं 42-43 दिन आया, तो बाकी 3 महीने तो पंजाब में होगा, पंजाब से हैं बाकी और जो जितने भी सूबे हैं तो उससे राज्य पता लगा अभी बढ़ी है तकरीबन हर सूबे। कहने का मतलब है मोदी जी कहते हैं कि अब इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी, आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट किसान के हित में फैसला सुनाएगी या नहीं? और मैंने कुछ किसानों के मुँह से सुना है कि 26 तारीख को लाल किले पे हम अपना ट्रैक्टर लेके जाएंगे, आपकी उसमें क्या राय है? और हमारे साथ कुछ किसान मौजूद है, उनका कहने का मतलब ये है कि अगर हम नहीं बोएंगे तो जनता खाएगी क्या? भाई जी क्या कहना है आपका, क्या नाम है आपका? किशन नाम है जी। कहाँ के रहने वाले जी? साहब है जी, 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 दिनांक 10 मई 2020 को शाम 5 बजे से क्षेत्राधिकारी सीसामऊ प्रभारी निरीक्षक चमनगंज सीसामऊ और संपूर्ण स्टाफ पैरामिलिट्री फोर्स के साथ संपूर्ण क्षेत्र पी रोड सीसामऊ मार्केट चमनगंज क्षेत्र में भ्रमण किया गया। और आज मदर्स डे पर सभी माँ को कानपुर पुलिस की तरफ से बहुत बहुत बधाई दी गई और साथ में अपने बच्चों को और अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए जो नियम बताए गए उसका पालन कराने हेतु निवेदन किया गया और लाउड हेलर के माध्यम से सबको अवगत कराया गया। आज शाम को थाना प्रभारी सीसामऊ और सीसामऊ के संपूर्ण फोर्स और अर्धसैनिक बलों के साथ संपूर्ण क्षेत्र का गश्त किया गया, पैदल मार्च किया गया और मदर्स डे पे जितनी माँ हैं कानपुर पुलिस की तरफ से सबको बधाई दी गई और साथ में ये भी बताया गया कि आप अपने बच्चों को इस महामारी और इस बीमारी से सतर्कता जो बरती गई है उसके बारे में अवगत कराएं ताकि आपका परिवार सुंदर स्वस्थ और सतर्क बना रहे। धन्यवाद। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के